हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई एक नई बायोग्राफी जिसका नाम है मॉन्स्टर द जेफरी डामर स्टोरी। इसमें टोटल 10 एपिसोड देखने मिलेंगे जिसके हर एक एपिसोड ऑलमोस्ट 56 मिनट से लेके एक घंटे के, और ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिल जाती है। एक सीरियल किलर थे जेफरी डामर, 80s और 90s में बहुत सारे ब्लैक गे लोगों का और वाइट लोगों का मर्डर किया था, और बहुत ही ब्रूटली मर्डर करके वो किस तरीके से उनकी हड्डियों को गलाते थे और कैसे उनके मांस को खा जाते थे, शो में बहुत ही अच्छी तरह से बताया। लेकिन जेफरी डामर पकड़े कैसे गए, फिर क्या कुछ हुआ, वो सब कुछ जानने के लिए तो आपको ये शो देखना पड़ेगा। देखो ये शो एसिमेट्रिकल है, यानी आपको अलग अलग टाइमलाइन देखने को मिलेंगी, 70, 80 और 90, जहां पर बचपन में उसके साथ क्या हुआ था, उसके पेरेंट्स उसके साथ किस तरह से रहते थे, उनके पेरेंट्स के बीच में क्या हुआ था, फिर हाई स्कूल में उसके साथ क्या हुआ था, फिर कैसे कॉलेज वो ड्रॉप आउट हो गया, फिर US आर्मी में, कहने के बहुत सारी चीजें हमें जेफरी डामर के बारे में एकदम अच्छी तरह से डिटेल में बताने की कोशिश की है। लेकिन उसी कोशिश में शो की जो पेसिंग है बहुत ही ज्यादा स्लो महसूस होती है, तो उस चीज का ध्यान रखना। शो में अगर मेन कैरेक्टर की बात करो जो कि एक सीरियल किलर है, तो उसके यहाँ पर किए गए कांड को ग्लोरीफाई करके नहीं बताया, यहाँ पर हमें विक्टिम के पर्सपेक्टिव से इस शो को बताने की कोशिश की, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन जेफरी ने ये सारी चीजें क्यों की, वो भी शो में बहुत अच्छी तरह से बताया और कहीं से भी जेफरी को ग्लोरीफाई करके नहीं बताया। इसके अलावा शो में एक और सीरियल किलर देखने को मिलता है जिसकी डॉक्यूमेंट्री हमने नेटफ्लिक्स पे कुछ महीने पहले ही देखी थी, यानी कि जेसी की, तो उसको इस शो के एंड के एपिसोड्स में हमें दिखाया, जो कि अगेन मेरे लिए काफी ज्यादा सरप्राइजिंग था। उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी बहुत अच्छी है, 70s, 80s और 90s के एरा को बताया, तो उनकी विंटेज कार, उस टाइम पे वो कपड़े पहनते थे, वो बहुत अच्छी तरह से बताया। और उसके अलावा शो की सिनेमेटोग्राफी मुझे बहुत अच्छी लगी, वॉयलेंस के सीन्स को बहुत अच्छी तरह से शूट किया है, राइटिंग इस शो की थोड़ी और क्रिस्प की जा सकती थी, डायरेक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर आप लोगों को ये बायोग्राफी नहीं देखना है, टेंशन मतलब नेक्स्ट मंथ हमें इसकी डॉक्यूमेंट्री देखने को मिलेगी नेटफ्लिक्स पर ही, जिनमें आपको कम एपिसोड देखने को मिलेंगे, जहां पर हमें रियल ऑडियो टेप्स सुनने को मिलेंगे और वीडियो क्लिप्स भी शायद देखने को मिल सकती है। कन्वर्सेशन विद किलर जेफरी डामर टेप्स में एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात को, तो यहाँ पर इवान ने जिसने यहाँ पर रोल प्ले किया जेफरी डामर का, उसने अपने रोल में जान डाली। यहाँ काफी चैलेंजिंग रोल था इस एक्टर के लिए, क्योंकि 15 साल का लड़का भी यहाँ पर दिखाना था, यहाँ पर उसको 20 साल का लड़का भी दिखाना था, यहाँ पर उसको 25 साल का लड़का भी दिखाना था, तो जिस तरह से वो अलग अलग एजेस में हमें नजर आया काफी ज्यादा इंप्रेसिव लगा एज एन एक्टर वो मुझे। ओवरऑल बाकी जितनी सपोर्टिंग कास्ट है उन्होंने भी अपने इस रोल को बहुत ही अच्छी तरह से किया। मेंटल गाइडेंस में इतना बोलूंगा, इसमें आपको मास्टरबेशन के सीन देखने को मिलेंगे, होमोसेक्सुअली सीन देखने को मिलेंगे, दो लड़कों के बीच के सेक्स सीन देखने को मिलेंगे। मैं इसको रेटिंग दूंगा 6.5 out of 10, डेफिनेटली इट्स अ वॉचेबल। अगर आपको एक स्लो बर्निंग बायोग्राफी देखना है, किसी सीरियल किलर के बारे में जानना है कि उसके साथ ये सारी चीजें कैसे हुई, वो क्यों करता था, मतलब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।